जय हिंद। नमस्कार मेरे सीनियर लॉर्ड लाडलियो, स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कमांडो किट में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी वाले विद्यार्थियों के लिए। ध्यान रखिए आपके एग्जाम का समय आ गया है और इस समय आपको कट ऑफ की चिंता भी सताई जा रही होगी। क्यों नहीं सताएगी, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके इतने दिन की जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है और जब एग्जाम में बैठते हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इस बार मेरा नंबर पक्का आ जाएगा। और इसके लिए जो कॉन्फिडेंस देती है वो देती है कट ऑफ, कि इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिए कई होशियार बच्चे जो अच्छी मेहनत किए हुए रहते हैं वो भी कट ऑफ के भय से गलतियां कर देते हैं और फिर एग्जाम में अच्छे मार्क नहीं ला पाते हैं, कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। कट ऑफ की चिंता हर एक विद्यार्थियों की रहती है कि फाइनल कट ऑफ कहां तक जा सकती है। इसीलिए हर एक वीडियो मैंने जितने भी आज तक एसएससी जीडी से संबंधित वीडियो बनाए उनमें से हर एक वीडियो के नीचे कट ऑफ से संबंधित कमेंट पक्का मिलेंगे और आपको भी इस समय थोड़ा सा टेंशन होगा, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा टेंशन मुक्त कर देता हूं। थोड़ी सी आप एक दो चीजों का ध्यान रखिए लाड दो, एक विशेष करके आप ध्यान रखिए कि कट ऑफ कभी भी सेम नहीं रहती। यानी एसएससी जीडी 2023 की जो कट ऑफ रही थी वो 24 में नहीं रहेगी और जो 24 की रहेगी वो 25 में नहीं रहेगी। यानी 2023 में एसएससी जीडी की मान के चलिए कि आपकी राजस्थान की कट ऑफ 133 नंबर रही, तो जरूरी नहीं है कि 2024 में ये कट ऑफ यही रहे, इससे ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पेपर पर। अब गलती क्या करते हैं आप, ध्यान रखिए इस वीडियो बनाने का एक मुख्य उद्देश्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य है मेरा, वो आपके काम की चीज है। आप में से ज्यादातर बच्चे, यानी आप में से ज्यादातर का मतलब है 90% बच्चे, आपको अगर मैं पूछूं तो आपने अपनी कट ऑफ पता कर ली होगी, कि कट ऑफ पढ़ने वाले बच्चों की बता रहा हूं, नहीं पढ़ने वालों ने नहीं, पढ़ने वाले बच्चों ने पता कर ली होगी कि पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई है, राजस्थान से कम कितना स्कोर चाहिए। अब क्या करता है बच्चा, उसको पता है कि पिछली बार राजस्थान से ओबीसी की 133 कट ऑफ गई है मान के चलिए, तो वो क्या ट्राई करेगा, इस बार भी 133 से प्लस स्कोर करने की ट्राई करेगा। अब उसका पेपर मान के चलिए हार्ड आ गया और फिर उसको लगा कि नहीं यार मेरे नंबर तो कम हो रहे हैं, इस कंडीशन में वो गलतियां करेगा और फिर उसने क्या करेगा, जो जो नंबर उसके आ रहे थे उससे भी डाउन आ जाएगा, फिर उसको नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर कम मिलेंगे। इसीलिए कभी भी एग्जाम देते समय यह नहीं सोचना है कि पिछली कट ऑफ कितनी रही है। एग्जाम जब मुख्य एग्जाम अभी सोचना है, इस समय जब आप मॉक लगा रहे हो इस समय सोचना है ये चीजें कि पिछली कट ऑफ कितनी रही। लेकिन जब मुख्य एग्जाम आप एसएससी का दे रहे हो, आपका एक सीधा सा सिंपल सा लॉजिक होना चाहिए कि जो आपको आता है, यानी जो सही है आपको आता है उसको कर देना है, जो नहीं आता है उसको छोड़ देना है। ठीक है, जो आता है उसको कर देना है, जो नहीं आता उसको क्या कर देना लाडलो, उसको छोड़ देना है, बिल्कुल साइड में कर देना उसको कि ये तो मुझे नहीं आता। समझ लो बात को, जब नहीं आता तो उसको नहीं करना। लेकिन अंत में अगर आप तुक्का लगाना चाहो तो जब जो जो आपने कर लिए, मान के चलिए कि 80 में से आपने 60 क्वेश्चन सही कर लिए, अब 20 क्वेश्चन बचे, इन 20 में से 10 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके कहीं ना कहीं पढ़े गए लेकिन आपको आंसर क्लियर नहीं है, तो इनमें आपको तुक्का भी लगा लेना चाहिए। किस स्थिति में, जब आपको पता हो कि चार ऑप्शन में से दो तो पक्का नहीं है, दो में से एक है, इस कंडीशन में आपको तुक्का लगाना लेना चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग 1.8 की है, यानी 0.25 की है, ये माइनस मार्किंग बहुत कम है। अगर आप 8 क्वेश्चन पे तुक्का लगाओगे तो 100% आपके 3 सही हो जाएंगे और इस कंडीशन में आप फायदे में ही रहोगे, क्योंकि आप फोड़ रहे हो, उससे अच्छा तो 8 में से 3, यानी 8 में से 1 क्वेश्चन को 1 ले गया फिर भी 2 सही, तो आपको नुकसान नहीं फायदा होगा। समझ गए बात को। लेकिन हाँ, जो बिल्कुल नहीं आता उस पर हाथ नहीं टच करना है। सबसे बड़ी बात, कट ऑफ का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है लाडलो कि आप में से ज्यादातर बच्चे इस समय ये सोचेंगे कि पिछली बार के कट ऑफ इतनी गई थी, एग्जाम सेंटर में बैठ के सोचेंगे मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं, मेरा पेपर हार्ड, क्योंकि आपको नहीं पता आपका पेपर हार्ड है, आप तो वही पेपर दे रहे हो, आपको लगेगा मुझे नहीं आ रहा है। ये गलती नहीं करना, आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आपको उनका सही आंसर देने की कोशिश करनी है और ये नहीं सोचना कि पिछली कट ऑफ कितनी गई कितनी नहीं गई। इस चक्कर में गलती कर दोगे फिर नॉर्मलाइजेशन में नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपका पेपर हार्ड है तो नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। पेपर देते समय सिर्फ और सिर्फ आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि ये मुझे आता है ये नहीं आता। जैसे कि मान के चलिए यहाँ ग्रीन कलर है यहाँ रेड कलर है, आपको सिर्फ पहचानना है ये ग्रीन ये रेड, लास्ट में जाना जाएगा कि कौन सा कलर कौन सा था। समझ गए बात को। कट ऑफ को प्री आप जांचना नहीं कि पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी, इस बार भी जरूरी नहीं, इस बार हो सकता है 125 ही चली जाए, हो सकता है इससे ऊपर चली जाए 135, तो आपको कट ऑफ पहले से प्लान करने से क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। इसलिए ये नहीं करना है प्लान की कट ऑफ कितनी गई। आपका मुख्य उद्देश्य पेपर में ये होना चाहिए कि जो जो मुझे आता है उसको सबसे पहले कर देता हूँ, जो नहीं आता उनको बाद में एक बार चेक कर लेता हूँ, उनमें से किस किस को मैं अटेंड कर सकता हूँ उसको अटेंड, बस ये होना चाहिए लॉजिक। इसके अलावा कोई भी लॉजिक नहीं होना चाहिए कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ये पेपर के बाद की बात है।
अगर आपके अच्छे अंक आएंगे तो कट ऑफ में आ जाओगे, नहीं आएंगे तो अगली बार आ जाओगे। लेकिन अगर एग्जाम सेंटर में बैठ के ये सोचोगे ना कि यार मेरे नंबर तो कम है, बाद में आके जरूर पछताओगे। क्यों? क्योंकि मान के चलो उदाहरण के लिए कि आप सोच रहे हो कि मैंने 60 क्वेश्चन किए लेकिन मुझे 70 करने थे। अब आप उस समय 70 कैसे कर दोगे जब आपको आ ही नहीं रहे, नहीं कर पाओगे ना। तो करो ही मत ना, फिर इसलिए करते हो फिर उसको, करो ही मत, समझ रहे हो बात को, करो ही मत जो नहीं आता है। तो जो जो आता है उनको अटेंड करना है, कट ऑफ का प्रीटेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। इस समय मॉक टेस्ट में लेना है, पेपर के समय बिल्कुल नहीं सोचना है कि कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी। इस चीजों को अड़ंगे से बाहर हो, जो जो क्वेश्चन आते हैं उनको करिए अच्छे से, जो नहीं आते जो डाउटफुल है जिनको आप कर सकते हो उनको भी करिए, समझ रहे हो बात को। बाकी आपको चिंता नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है पहले से सोच के कि यार 130 कट ऑफ जाएगी, मेरे तो 120 नंबर ही हुए हैं अभी। अरे क्या पता आपके नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ जाए और कट ऑफ भी 5 अंक नीचे आ जाए, ये आपको पता नहीं है, ये बाद की बात है। लेकिन आप जितने कर सकते हो अच्छे से उतना अटेंड करना अच्छे से पेपर को, समझ रहे हो लाडलो, गलती नहीं करना, ये मेरी एडवाइस है आप सबको। जय हिंद जय भारत।